दोस्तों अब ये बूढ़ा शेर इस मासूम को गुर्राते हुए यहाँ से भगाता है और कहता है कि दोबारा कभी वापस मत आना। ये मासूम वहाँ से भाग जाता है, तभी वहाँ पर लकड़बगों का झुंड आता है। ये शेर उनसे कहता है कि खत्म कर दो उसे। ये दरिंदे उसे मारने उसकी तरफ जाते हैं, तभी ये मासूम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था। इसके पिता को मरे हुए कुछ ही देर हुई थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अपने सगे ही हमें गिराने की योजना बनाते हैं। अब वो मासूम पहाड़ की आखिरी छोर पर पहुँच गया था और वो नीचे गिर जाता है। क्या इस मासूम का सफर यहीं तक था? क्या वो अपने पिता का बदला ले पाएगा? और ये दरिंदे उसे देखते हैं, इनको लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो मर चुका होगा और ये वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ ये बूढ़ा शेर एक और अपनी चाल चल रहा था। ये उन सभी से कहता है कि मुझे मेरे बहादुर भाई और भतीजे के मरने का बहुत दुख है और कहता है कि यहाँ का पूरा राज्य अब मेरे हवाले है और आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। ये सभी लोग सिम्बा के परिवार वाले थे और ये बूढ़ा शेर कहता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेला नहीं संभाल सकता हूँ। तभी वहाँ पर फिर से बहुत सारे लकड़बग्घे आते हैं। वे सभी लकड़बग्घे इस शेर के साथ थे। दोस्तों आखिर उस मासूम सिम्बा के साथ क्या हुआ देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।